हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट नॉट सो फेमस बट यस द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज। गाइज, ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है एंड एग्जाम में हमेशा ऐसी ही स्कीम्स पूछी जाती है जो कि ज्यादा चर्चा में ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइज। सो दिस स्कीम, इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम एंड अंडर दिस स्कीम एक्सपोर्ट incentives आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल एंड सेलेबल ड्यूटी क्रेडिट scripts ऑफर्ड ऑन द basis ऑफ द फ्री ऑन बोर्ड दैट इज FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। नाउ गाइज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, ड्यूटी क्रेडिट scripts एंड फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB। ऑलराइट, सो गाइज, ड्यूटी क्रेडिट scripts जो होते हैं दैट इज टू बी इशूड बाय DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड, टू द एक्सपोर्टर्स। ये एक्सपोर्टर्स को इशू किए जाते हैं ताकि वो अपने टैक्सेस को और लिवाइज को पे कर सके। बेसिकली एक सर्टिफिकेट टाइप का एक पेपर होता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये इशू किया जाता है बाय DGFT टू द एक्सपोर्टर्स। और ये एक्सपोर्टर्स कोई भी हो सकते हैं, गुड्स के एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज के भी हो सकते हैं। तो ये एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है ताकि वो अपने टैक्सेस को और लिवाइज को पे कर सके। सो ये जो हमारी स्कीम है, इस स्कीम के अंडर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिए जाएंगे टू द एक्सपोर्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ FOB वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस FOB और फ्री ऑन बोर्ड? सो फ्री ऑन बोर्ड इज वन ऑफ द इनको टर्म्स गाइज, इट इज वन ऑफ द इनको टर्म्स। इनको टर्म का मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये डिसाइड कौन करता है? International Chamber of Commerce, and there are various international commercial terms, and one of the international commercial term is free on board. Now, what is this free on board? Let us understand it through an example. So, let us say there is an exporter from India A. Okay, कोई exporter है India से, and there is an importer from China B. Okay, and जब भी हम FOB लिखते हैं तो हम लिखते हैं किस तरीके से हैं, जैसे FOB and bracket में the name of the port. ऑलराइट, एंड हम ये मान के चलते हैं दैट इंडिया से ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है, लेट अस से द प्रोडक्ट इज एक्स। ओके, सो एक्स प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होगा फ्रॉम द विशाखापट्टनम पोर्ट। सो ऐसे लिखा हुआ होगा FOB विशाखापट्टनम पोर्ट, FOB वाइजैग पोर्ट। ऑलराइट, अब इसका मतलब समझ लेते हैं गाइस। इसका मतलब ये होता है FOB वाइजैग पोर्ट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जहां पे भी ये चीज मैन्युफैक्चर हुई, जो भी हमारा प्रोडक्ट है एक्स, जहां पे भी ये मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से पोर्ट तक लाने का पूरा खर्चा, लेट अस से ये पोर्ट है, ठीक है, वहां से पोर्ट तक लाने का खर्चा, ओके, वहां पे पोर्ट पे लाके डीलोडिंग करने का खर्चा, एंड पोर्ट पे लाने के बाद शिप में, मान लेते ये शिप है, शिप में लोड करने का खर्चा, ये सारा का सारा खर्चा किसका होगा? इस सेलर का जो कि इंडिया में है, मतलब कि जो एक्सपोर्टर है। ऑलराइट, एंड इसके बाद जब शिप यहां से निकल जाएगी, ओके, अब मान ले यहां पे क्या है, ये ओशन है पूरा, एंड यहां पे ये दूसरा वाला पोर्ट है, मान लेते चाइना में कोई शांघाई में एक पोर्ट है। ऑलराइट, अब यहां से शिप निकला एंड जब जैसे ही यहां से निकलने के बाद पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो किसके हाथ में आ जाएगी? जो बायर है चाइना का, यानी कि जो इंपोर्टर है। ऑलराइट, अब मान लो यहां पे चलते जाते जाते जब ये ओशन में जा रहा है तो अगर मान लो कि शिप का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में जो अगर कोई नुकसान होगा अगर उस कार्गो का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? चाइना में बैठे इंपोर्टर की होगी, एक्सपोर्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है? अपने गोडाउन से उस प्रोडक्ट को पोर्ट तक लाना, और पोर्ट तक लाने में उसको जो भी खर्चा लगा, जैसे मान लो कि उसने ट्रक हायर किया होगा, यहां पे अपने गोडाउन से ट्रक में लोड करवाया होगा, फिर ट्रक को यहां तक लाया, फिर ट्रक से डीलोड कराया इस पोर्ट पे, फिर पोर्ट से लोडिंग कराई शिप में, और जो भी यहां पे कस्टम के भी जो भी एक्सपेंसेस होता है, ऑलराइट, जो भी कस्टम का एक्सपेंसेस होता है वो भी किसका होता है? इस एक्सपोर्टर का ही होता है। लेकिन जब यहां से लोडिंग होने के बाद शिप निकल जाएगा, ओके, उसके बाद का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आ जाती है? बायर के हाथ में, यानी कि ये जो इंपोर्टर यहां पे बैठा है चाइना के हाथ में, इसके पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज वॉट फ्री ऑन बोर्ड। आई होप आपको गाइस फ्री ऑन बोर्ड का मतलब समझ में आ गया है, एंड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का भी मतलब क्लियर है। नाउ FOB वैल्यू का मतलब क्या होगा गाइस? तो FOB वैल्यू फॉर एन एक्सपोर्टर क्या होगी? फॉर एन एक्सपोर्टर FOB वैल्यू होगी जो भी कॉस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आई, प्लस जो भी कॉस्ट उसकी यहां तक लोड कराने तक जो भी कॉस्ट आई, वो पूरी की पूरी सारा मिला के दोनों क्या हो जाते हैं? FOB वैल्यू हो जाता है।
सो ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी वैल्यू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव अंडर द स्कीम द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज स्कीम ऑलराइट एंड दिस स्कीम हैज रिप्लेस्ड द रिबेट ऑफ स्टेट लेवाइज स्कीम विच वॉज एन मोनिटरी इंसेंटिव स्कीम अंडर विच कस्टम्स वुड डिपोजिट द रिबेट डायरेक्टली इन टू द एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट. अब ये जो पुरानी वाली स्कीम थी रिबेट ऑफ स्टेट लेवाइज स्कीम, इसमें होता यह था कि जो कस्टम है वो डायरेक्टली रिबेट जो है वो डिपोजिट करा देता था इन टू द एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट. ऑलराइट, बट नाउ दिस स्कीम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्कीम द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज. नाउ गाइस, दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च इन द ईयर 2019 फॉर ओनली गारमेंट्स एंड मेडअप्स. गारमेंट्स एंड मेडअप्स के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2019 इन द मंथ ऑफ मार्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज हेडेड बाय स्मृति जुबे निरानी, शी इज लोकसभा एमपी फ्रॉम अमेठी. ऑलराइट, एंड ये केवल गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ मेडअप्स का मतलब होता है जैसे फ्लोर मैट हो गया, बेडशीट्स हो गए एंड सोफा कवर हो गए, ये सारे के सारे मेडअप्स में आ जाते हैं. नाउ दिस स्कीम एम्स टू रिबेट ऑल एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज ऑन अपैरल्स एंड मेडअप्स थ्रू एन आईटी ड्रिवन स्क्रिप्ट सिस्टम टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अपैरल एंड मेडअप्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. जितने भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस हैं या लिवाइजेस हैं अपैरल्स और मेडअप्स पे, उन सब में रिबेट प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू दिस स्कीम थ्रू एन आईटी ड्रिवन स्क्रिप्ट सिस्टम टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अपैरल एंड मेडअप्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास मोटिवेशन आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. ऑलराइट, एंड दिस स्कीम एम्स टू हेल्प देम कट हाई लॉजिस्टिक्स एंड अदर कॉस्ट एंड एनेबल देम टू कम्पीट ग्लोबली. अब क्योंकि उनके टैक्सेस और लिवाइज अगर कम हो जाएंगे, वो टैक्सेस एंड लिवाइज थ्रू दीज इंसेंटिव पे कर पाएंगे, तो जो उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर. नाउ दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 7th मार्च 2019 टू 31st मार्च 2020, बट रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्कीम फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स. 1st अप्रैल 2020 के आगे इस स्कीम को बढ़ाने का अप्रूवल दे दिया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट. कब तक? जब तक कि इट इज मर्ज्ड विद द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये एक नई स्कीम है जो कि मार्च 2020 में लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो जब तक कि हमारा ये वाला स्कीम है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज, ये इसके साथ मर्ज नहीं हो जाता, मतलब कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के साथ मर्ज नहीं होता था, तब तक के लिए इसको कंटिन्यू रखा जाएगा. एंड अंडर दिस स्कीम द मैक्सिमम रेट ऑफ रिबेट फॉर अपैरल वॉज 6.05% था अपैरल्स के लिए, लेकिन मेडअप्स के लिए कितना था? अप टू 8.2%. एंड द सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज ऑन विच रिबेट इज गिवन, किन किन सेंट्रल टैक्सेस और लिवाइज पे रिबेट दिया गया था? ये है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, एम्बेडेड सीजीएसटी पेड ऑन इनपुट्स, एंड एम्बेडेड सीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस ऑन कोल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो गाइस, इन सेंट्रल टैक्सेस और लिवाइज के ऊपर रिबेट दिया गया था अंडर दिस स्कीम द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज, एंड इसको अब कंटिन्यू रखा जाएगा फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स अंटिल इट इज मर्ज विद RODTEP. Alright, now let's discuss about the remission of duties or taxes on export products. So this scheme was launched in the month of March 2020 under the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry, it is headed by Mr. Piyush Goyal. Alright, and under this scheme guys, a mechanism would be created for reimbursement of taxes or duties or levies which are currently not being refunded under any mechanism. ओके, किसी भी मैकेनिज्म में अभी जो हमारे टैक्सेस ड्यूटीज और रिवाइज लगाए जाते हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर, उनको रिफंड करने का कोई प्रोविजन नहीं है. सो इस स्कीम के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ दीज टैक्सेस और ड्यूटीज और रिवाइज जो कि इनकर्ड होता है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, एंड इट इज दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टैक्सेस एंड रिवाइज बोर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट शुड बी आइदर एग्जेम्प्टेड और रेमिटेड. जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस और लिवाइज लगाए जाते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर उसमें कुछ ना कुछ रिबेट दी जाए टू एक्सपोर्टर्स
अनलाइक द एमईआईएस स्कीम, एमईआईएस स्कीम कौन सी थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो कि एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, जो एमईआईएस है उसके अंदर एक्सपोर्ट, उसके अंदर इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन हमारी ये जो स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इसके अंदर एक मैकेनिज्म तैयार कराया जाएगा ताकि टैक्सेस, ड्यूटीज और लिवाइज को रिफंड करा जा सके टू द एक्सपोर्टर्स। नाउ दिस स्कीम इज बीइंग कंसेप्चुलाइज्ड कीपिंग इन व्यू द डब्ल्यूटीओ प्रोविजंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली द एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। ये एग्रीमेंट आपको, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इस एग्रीमेंट का नाम पता होना चाहिए, अग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स एक अग्रीमेंट है ऑफ द डब्ल्यूटीओ प्रोविजंस, और उन्हीं प्रोविजंस को कंसेप्चुलाइज करते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमईआईएस, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सो दिस स्कीम वॉज नॉट डब्ल्यूटीओ रूल्स कंप्लायंट। पहली बात तो यह है कि ये डब्ल्यूटीओ रूल्स के साथ कंप्लायंट नहीं थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये स्कीम प्रोवाइड कराई थी टू द एक्सपोर्टर्स, एंड इट इज नोटिफाइड बाय डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि 2015 से 20 तक चलेगी, एंड इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स है उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि अगेन वो अपने टैक्सेस वगैरह पे कर सके। ऑलराइट, द रिवॉर्ड्स आर गिवन बाय वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट टू एक्सपोर्टर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसी तरीके से एक सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम भी थी जिसके अंदर बिल्कुल सेम यही प्रोविजन थे। ऑलराइट, ये गुड्स के लिए है, वो सर्विस के लिए है। ओके, सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट द स्कीम जो भी हमने अभी पढ़ी, एंड ये वाली स्कीम जो नई वाली स्कीम लॉन्च हुई है इसके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज इनफ, इतना भी अगर आपको पता है देन दैट इज वेल एंड गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्कीम। सो विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज स्कीम, आरओएस सीटीएल स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? सो गाइज एज डिस्कस्ड, this scheme was launched by Ministry of Textiles headed by Smriti Zubin Irani. Question number 2 is, the Union Cabinet has given its approval for continuation of the rebate of state and central taxes and levy scheme from 1st April 2020 to which year? Kab tak ke liye kiya gaya hai guys? Ye kiya gaya hai until it is merged with newly announced RODTEP. Alright, so option C will be the correct answer, until it is merged with RODTEP. Next question is, what is the maximum rate of rebate for apparel and for made-ups under this scheme respectively? Okay, so apparel ke liye guys, the maximum rate of rebate is 6.05% and for made-ups it is 8.2%. So therefore, the correct answer to this question will be option A, 6.05%, 8.2%. Now next question is, among the following which schemes are WTO rules compliant? So guys, इसमें से दो schemes ऐसी हैं जो कि WTO rules compliant है। एक तो हमने जो पढ़ा remission of duties and taxes on exported products, and दूसरा the rebate of state and central taxes and levy scheme, ये दोनों की दोनों WTO rules compliant है। Therefore guys, the correct answer to our question will be option D, 2 and 3 will be the correct answer. Alright, so guys that's it for the session. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा। For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. मिलते हैं next session में. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.